आदाब नाजरीन मैं आपका मेज़बान के बी जानी इस सियासत टी वी के खूसी प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में इस्कबाल करता हूँ दोस्तों हिंदी फिल्मों में नगमों की बड़ी अहमियत होती है नगमों को संवारने में गलोकार का सबसे अहम किरदार होता है गलोकार ही गीत में ऐसा सहर पैदा कर देता है कि गीत खुद गीत गाने लगते हैं फिल्मी सनत में कई गलोकारों ने गीतों को संवारा गलोकारी के इस फन को अपनी आवाज़ के जरिए गीतों को नया अंदाज दिया और अपनी मेहनत और सलाहियत से रौनक बख्शी और इस जिम्मन को उरूज पर पहुंचाने में अहम रोल अदा किया जिन बॉलीवुड के गलोकारों ने अपनी आवाज़ के ज़रिए इसको सजाया है इनमें प्लेबैक सिंगर मुकेश का नाम भी शामिल है जिन्होंने तकरीबन तीन दहाइयों तक अपनी आवाज़ से शायक मौसीकी को अपना दीवाना बनाया था नाजरीन मुकेश जी का ज़िक्र हमने इसलिए किया आज के जो हमारे मेहमान गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तार शाह हैं जो आंजानी मुकेश जी के नग़मों को हु वही अंदाज में गाकर दुनिया भर में खूब नाम कमाया और ने मौसी के दिलों की धड़कन बन गए इन्हें ये एज़ाज़ हासिल है कि दो हज़ार पंद्रह में मनदा हेमंत कुमार म्यूजिकल मौजिक, ग्रुप के ज़रिए दोपहर बारह बजे से रात एक बजे तक मुसलसिल तेरह घंटे मुकेश जी के एक सौ तीस गाने गाकर सबसे ज़्यादा गाने वाले और नंबर ऑफ सॉन्ग्स दोनों का रिकॉर्ड कायम किया जिससे इन्हें लिमका बुक ऑफ रिकॉर्ड एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने में कामयाबी हासिल हुई मुख्तार शाह दुनिया के 28 ममालिक में अपनी आवाज के जादू से मौसी के चाहने वालों का दिल जीता है मख्तार शाह की जिंदगी का अहम एज़ाज़ ये भी है कि इन्हें गुजरात गवर्नमेंट की जानिब से गुजरात गौरव रतन अवार्ड से नवाजा गया जो 2019 में गुजरात को महाराष्ट्र से अलग हुए 60 साल मुकम्मल होने के जिमन में गुजरात सरकार ने दिया है मुख्तार शाह ने गुजरात का नाम दुनिया भर में रोशन किया तो आइए इस्कबाल करते हैं गुलकारी की दुनिया का एक मशहूर नाम मुख्तार शाह स्वागत किया जाता है बड़ी खुशी हो रही है मुख्तार साहब आप हमारे आज स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत बहुत शुक्रिया और इस वक्त सियासत टीवी के माध्यम से जो लोग हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं उन सब लोगों को मेरा प्यार भरा आदाब नमस्कार एंड गुड इवनिंग जी आ, शुरुआत मैं चाहूँगा कि आपके बचपन से मैं करूँ कि आपका बचपन कैसा रहा जिस तरह आम लोगों का बचपन होता है क्योंकि आप इतने बड़े फ़नकार हैं तो बचपन से ही वो क्वालिटीज़ आप में थी ये क्या थी ये ज़रा बताइए हमें हाँ यस जानी भाई बिल्कुल ऐसा था कि जैसे कलाकार होते हैं आमतौर से अमूमन के शौक़ बचपन से ही होता है उनको जो भी कला के क्षेत्र में वो लोग जाते जो भी फील्ड में जाते हैं इसी तरह से मुझे भी गाने का जो शौक़ था वो बचपन से ही था कुदरती था अच्छा और उन दिनों में जो हमारे वालदेन हुआ करते थे वो बहुत इन सब चीज़ों को बहुत इनक्रेज नहीं करते थे बहुत पसंद भी नहीं करते थे कि ये गाना और ये सब क्या काम है अच्छा आ, लेकिन फिर भी माँ जो है वो हमेशा सपोर्ट करती हैं तो ऐसे ही मेरी वालदा भी जो थी वो काफ़ी सपोर्ट कर देती थी छुपते छुपाते थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे स्कूल कॉलेज में गाते गाते और फिर कहीं ना कहीं प्रोफेशनली गाना शुरू हो गया एक काम अच्छा इसकी जो शुरुआत हुई जी आ, अगर उन दिनों को आप याद करते हैं तो कौन सा गाना रहा होगा जिससे आपके करियर की शुरुआत हुई जी मैं जब आ, स्कूल में पढ़ता था तब कभी कभी फिल्म आई थी और वो गाने उसके बहुत मशहूर थे ख़याम साहब का म्यूज़िक था अच्छा तो मुझे उसमें एक ख़ास गाना जो मैं पल दो पल का शायर हूँ अच्छा वो बहुत अच्छा लगता था अच्छा और जब कभी भी स्कूल वगैरह में जब फंक्शन होते थे फ्री टाइम में सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं कोई गेस्ट आने वाले और उनका इंतज़ार है तो टीचर कभी भी ऐसा टाइम किल करने के लिए ऐसे किसी बंदे को खड़ा कर देते कि भाई चलो गाना गा दो तो वो टाइम पे मैं हमेशा मैं पल दो पल का शायर शायरों गाया करता था और वो मुझे भी अच्छा लगता था और दोस्तों को भी हमारे अच्छा लगता था तो उसी वजह से लोगों ने जो हमारे दोस्त थे उन्होंने मुख्तार की जगह मुकेश मुकेश मुझे बुलाना शुरू किया <laughs> तो अच्छा इस तरह से करते हुए थोड़ा हमारा रुझान जो है वो काफ़ी मुकेश जी की आवाज़ की तरफ़ गया अच्छा। और फिर आप भी जानते हैं कि मुकेश जी की जो आवाज़ है वो ऐसी है कि अगर थोड़ी देर आप सुन लेंगे तो आपको उससे मोहब्बत हो जाएगी बेशक तो मैं चाहता हूँ कि आगे बढ़ने से पहले वो गीत जरूर गुनगुना गुन, दें हमारे ऑडियंस के लिए बिल्कुल वो गाना वैसे भी मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि सबसे पहला मेरी जहाँ तक जानकारी है मैंने इसी गाने के जरिए एक छोटा मोटा जो रेकग्निशन मुझे मुकेश जी का मिला जो इस गाने के जरिए ही मिला पल दो पल मेरी कहानी है पल दो पल मेरी है है पल दो पल 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 दो दो मेरी जवानी मैं का शायर हूं। क्या बात है क्या बात है, बहुत, है। बहुत बहुत अच्छा मुख्तार साहब आपको ये नहीं लगता था कि भाई मुकेश जी की तो खैर आप, आप आ, आवाज इमिडिएट करते हैं जी लेकिन और भी बहुत सारे सिंगर्स भी रहे उस दौर में जी, रफी साहब थे किशोर दा थे तो क्या वजह रही कि आपने मुकेश जी को ही क्यों चुना इसकी आ, कोई खास वजह कुछ तो होगी वो दौर था बहुत जो आप भी जानते हैं कि संगीत का बहुत सुनहरा दौर था इतने सारे दिग्गज कलाकार थे रफी साहब मन्ना डे साहब तलत महमूद हेमंत कुमार किशोर कुमार मुकेश जी लता मंगेशकर आशा भोसले जी तो हैं ही तो लेकिन मुझे भी मोरोलेस सभी के गाने अच्छे लगते थे लेकिन मेरा जो जैसा मैंने बताया कि स्कूल टाइम से मुकेश जी के गाने की तरफ कुदरती एक खिंचाव रहा मेरा अच्छा और जब आपका खिंचाव जिस तरफ रहता है तो उस चीज़ को आप ज़्यादा और ज़्यादा सुनते रहते हैं उससे नज़दीकी आपकी बनी रहती है और जब जिस चीज़ से ज़्यादा आपकी नज़दीकी रहती है उससे धीरे धीरे वो प्यार जो है वो आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इसी वजह से ऐसा हुआ कि जब मैं कॉलेज में आया या फिर उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा सा छोटा मोटा प्रोफेशनली गाना शुरू किया तो मैंने मुकेश जी के ही गाने गाने की शुरुआत की थी और वो सिलसिला बस ऐसा ही रहा कि जैसे जैसे वो गाता गया जैसे जैसे उनके गीत और सुनता गया वो मोहब्बत और ज़्यादा मजबूत होती गई बढ़ती गई और इसी वजह से मैं सिर्फ़ मुकेश जी के ही गाने स्टेज पर गाना पसंद करता हूँ अच्छा आप जिस शहर से हो जी और वहाँ से मुंबई नगरी काफ़ी दूर है जी जी तो ये मुंबई नगरी का जो सफ़र रहा उस बारे में बताइए और बहुत सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स के शोज़ में आपका होना ज़रूरी माना जाता है जी वो थोड़ा बताइए मैं जब मैंने गाना शुरू किया था नया नया तब उन दिनों कुछ मैंने प्रोग्राम बम्बई में किए थे आ, ये आई टॉकिंग अबाउट एटी एट नाइन्टीज़ अच्छा लेकिन उसके बाद से फिर मेरा गुजरात भर में काम काफ़ी चलता रहा शोज़ का और उसके साथ अब्रॉड में काफ़ी प्रोग्राम्स करता था उस वजह से बीच में मैं बम्बई बिल्कुल आने की ना मुझे ज़रूरत लगी और ना ही कोई मुझे वहाँ से इन्विटेशन ऐसा मिला लेकिन दो में मुझे एक हमारे हसमुख मोदी साहब हैं बम्बई के वो मुझे अहमदाबाद में एक शो में सुनने के बाद उन्होंने मुझे इनवाइट किया एक शो के लिए और वहाँ से मेरा बम्बई जाने का सिलसिला 2011 20 ग्यारह बीस जून अच्छा। मैंने वो पहला शो किया था तो वहाँ से वो एक सिलसिला शुरू हुआ और जैसे जैसे वो लोगों को पता चलता गया कि तब तक कुछ हद तक ऐसा हो चुका था ऑलमोस्ट के स्टेज शो में और शादी ब्याह के प्रोग्राम में तो कतई तौर से लोग मुकेश के गाने ही नहीं रखते थे लेकिन जानने के बाद ये अच्छा हुआ कि कुदरत की मेहरबानी भी रही कि फिर लोगों ने वो उसको एक्नोलेज करना शुरू किया प्रोग्राम में वो गाने आने लगे लोग मेरे वजह से मुकेश जी के गाने स्टेज पर लेने लगे शादियों के प्रोग्राम में भी मुकेश जी के गाने होने लगे तो मुझे बात की खुशी होती है और फिर जैसे जैसे वो सब बम्बई का सिलसिला चलता रहा जानी भाई तो फिर म्यूज़िक डायरेक्टर्स के जब प्रोग्राम आने लगे तो फिर उनके साथ भी मेरा वो सिलसिला जुड़ा आ, प्यारे भाई के साथ बहुत सारे मैंने शोज़ किए हैं आनंद जी भाई के साथ बहुत सारे किए कल्याण जी भाई के बेटे हैं विजू शाह जी उनके काफ़ी सारे प्रोग्राम किए हैं राजेश रोशन साहब हैं म्यूज़िक डायरेक्टर ये वो लोग हैं जिन लोगों ने खुद मुकेश जी को काफ़ी सारे गाने गवाए हैं बेशक उन लोगों के साथ एक स्टेज पर खड़े रहना एक मंच साझा करना उनके उसमें गाइडेंस में गाने गाना रिहर्सल करना ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है तो मैं इसके लिए अल्लाह का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने ऐसा मकाम दिया कि ऐसे लोगों को मिलने का उन लोगों के साथ काम करने का मुझे मौका दिया है अच्छा जब मुंबई का आपने ज़िक्र किया मुंबई जो आए जी वो कौन सा गीत रहा होगा जो आपके दोस्त ने सुना जी उसके बाद फौरी आपको जज किया गया कि भाई आप यहाँ पे नहीं बल्कि मुंबई में आपका होना बहुत ज़रूरी है वो गाना जो मैंने बम्बई में जाकर वही गाना पहला जो अभी मैं 2011 में गया तो उस दिन मैंने जो फर्स्ट सॉन्ग गाया था जी और जी। इतफाक से वही गाना वंस मोर भी हुआ एहसान कुरैशी साहब मशहूर जी जी, जी, जी।, जी। कॉमेडियन है जी। उनका ही वो शो था उसी में मैं पहली मरतबा गया था गाना था अनाड़ी फिल्म से जी जी जो मुकेश जी भी हमेशा स्टेज पर गाते थे क्योंकि एक बहुत खूबसूरत ये मैसेज है इस गाने में अच्छा किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशा किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार किसी के, के वास्ते हो तेरे दिल में, में प्यार जीना इसी का नाम, नाम, नाम है जीना इसी का नाम है क्या बात है क्या बात है थैंक यू बरल ये गीत आपको मुंबई तक ले आया जी जी, जी। और आप सारे म्यूजिक डायरेक्टरों पर छाए रहे और फिर मुकेश जी के नगमों को जी। जिस तरह ऑडियंस भूल चुकी थी जी। बहुत सारे शोज में वो गाने नहीं होते थे लेकिन कि आपके आने के बाद वो सिलसिला चल पड़ा वापस शुरू हो गया शुरू हो गया जी, जी। क्या बात है कितनी खुशी आपको हुई होगी बहुत 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 मैं खुशी बयान नहीं कर सकता एग्जैक्टली जानी है मेरे पास इस बात के वर्ड्स नहीं है कि मैं किस अल्फाज में इस चीज़ का बयान करूं कि मुझे इतनी खुशी होती है और इस दौर में भी जब मैं देखता हूं कि मुकेश जी के गाने पसंद करने वाले लोग आज मैं उनके गाने गाता हूं इसी वजह से मुझे पूरे भारत भर में या विदेशों में जाने का मौका मिला और इतने सारे लोगों से जब मैं मिलता हूँ और जब मैं देखता हूँ कि मुकेश जी के गीतों की क्या दीवानगी है लोगों में जो मुकेश जी के गाने पसंद करता है उसका मैंने देखा है कि वो शख्स डाई हार्ड फैन होगा मुकेश का है क्या बात है उसका माइंड बिल्कुल कंप्लीटली मुकेश जी पर ही अटका हुआ होगा तो बहुत सारे फ़ैन हैं और मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि कुदरत ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं मुकेश जी के गाने गाता हूँ और उसके ज़रिए कहीं ना कहीं लोगों को वो अच्छा लगता है या उनको एक वो याद उनके दौर की ताज़ा होती है कि ये उनके दौर के गाने हैं जो अभी मैं गा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी वक्त से एक वैक्यूम सा था कोई गा नहीं रहा था वो लोगों को शायद वो गाने स्टेज पर से लाइव किसी के पास सुनने नहीं मिल रहे थे तो शायद मुझे एक जरिया अल्लाह ने बनाया है तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है, और कुछ भी नहीं, तेरी है। लेकिन एक बात यहाँ पर मैं जोड़ना चाहूँगा कि आज के दौर की भागती दौड़ती जिंदगी में जब आप संगीत को देखते हैं तो आप क्या चीज़ को मिस करते हैं कई सारी वैसे चीज़ें जो मिसिंग हैं ख़ास तौर से तो एक तो ये है पोइट्री जो मीनिंगफुल गाने लिखे जाते थे आज अगर पुराने गाने हमको अच्छे लगते उसकी ख़ास वजह यही है कि उसके अंदर एक सोल थी आत्मा जिसको मुझद जान रूह थी कि वो गाने इतने खूबसूरती के साथ मीनिंगफुल लिखे गए थे अगर वो फ़िल्म के अंदर है तो वो स्टोरी की उस जगह को वो पूरा समझ कर उस सिचुएशन के हिसाब से वो गाने लिखे गए थे चाहे वो अल्लाह से फरियाद हो चाहे वो अपने महबूबा से फरियाद हो चाहे किसी दोस्त की धोखेबाजी का किस्सा हो और चाहे किसी की तारीफ़ हो महबूबा की तारीफ़ हो तो वो इतनी ख़ूबसूरती के साथ सब कुछ लिखा जाता था कि आपको दिल में उतर जाता था उसके साथ साथ वो गानों को जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे उन्होंने कंपोज़ इतने खूबसूरती के साथ किया था कि वो गाने एक आम इंसान भी उसको गा सकता था या कहीं ना कहीं उसकी अपनी ज़िंदगी का कोई हिस्सा उससे रिलेट करता था अच्छा। और इसी वजह से वो सब गाने हमारी ज़िंदगी के हिस्सा बने हुए थे अच्छा आज के दौर में मैं थोड़ा सा ये मिस करता हूँ क्योंकि गानों के अंदर थोड़ा सा फ़नी फनी कुछ वर्ड्स आते हैं कुछ शायद मीनिंगलेस भी वर्ड्स होते हैं और उनको कहीं ना कहीं उसको मीटर में सेट करके उसको गाने का वो बनाया जाता है और मोर ओवर जो मैं समझता हूँ कि जो पुराने गाने हैं तो हम सुनते थे तो हमारा सर ऐसे झूमता था आज नए गाने सुनते हैं तो उसकी जगह हमारे पैर थिरकते हैं क्योंकि बीट म्यूज़िक है हाँ मुख्तार शाह साहब बड़ी अच्छी आपने बातें बताई और भी बहुत सारी चटपटी बातें बताइए और कुछ गाने भी हमारे ऑडियंस को सुनाने बाकी जी है जी। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको रोकता हूँ तो नाजरीन आप कहीं जाइएगा नहीं मिलते हैं एक मुख्तर से वक्फे के बाद नाजरीन सियासत टीवी की ताज़ा तरीन खबरें मुशायरे मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरी प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर ऐसी डाउनलोड कर सकते हैं इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का रास् टेलीकास्ट भी देख सकते हैं यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोज आप तक फौरी तौर पर पहुँच सकें वक्फ़े के बाद आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं नाजरीन जैसा कि आप सभी जानते हैं इस वक्त हम बात कर रहे हैं एशिया के जाने माने सिंगर मुख्तार शाह साहब से जो गायकी के मतलब इब्तदाई दौर की बातें आपने बताई मुख्तार साहब और कैसा रहा आपका ये सिलसिला किस तरह गायकी की तरफ आपने रुख किया अभी हम जो देखते हैं वो ये कि आप एक अरसे से गा रहे हैं आपकी आवाज़ में आज भी वही मिठास मौजूद है वक्त का असर आपकी आवाज़ पर नहीं पड़ा इसकी वजह क्या है <laughs> बहरहाल ये तो है थोड़ा सा कुदरती वैसे जानी भाई सबसे पहले तो मैं इसका जो सोचता हूँ कि ये सब सिर्फ़ कुदरत की मेहरबानी उसके बिना कुछ हो नहीं सकता है। उसके बाद ये सब कोर्स थोड़ा सा अपना ख्याल रखने के लिए अपनी हेल्थ का ख़्याल रखने के लिए आपको फिज़िकली फ़िट रहने के लिए अपना थोड़ा सा डाइट अपना टाइमिंग एक्सरसाइज साथ ही साथ गले का रियाज़ करना अच्छा जो अपना सिंगिंग के लिए मैं बहुत बाकायदा सीखा नहीं हूँ कुछ भी लेकिन जो मुझे जैसा आता है उस तरीके से अपना मैं रियाज करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि अपने आवाज़ को ज़्यादा बेहतर फॉर्म में रख सकूँ अच्छा जी वो क्या चीज़ें हैं या आप बताना नहीं चाहते नहीं नहीं या फिर ऐसी कोई कुछ चीज़ें आप छुपा <laughs> के रखी है क्योंकि जब भी देखिए वही मुस्कुराता चेहरा ये थोड़ा सा खैर वो मेरा जहन है कुदरती ऐसा कि मेरा मैं शुरू से ऐसा ही हूँ और मैंने कभी बहुत चीज़ों को बहुत हमेशा लाइट रखने की कोशिश की बहुत इतमान से रहता हूँ सुकून परस्त इंसान हूँ और खुश रहना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि इर्द गिर्द जो लोग अच्छा। आपके जैसे ही खुश <laughs> लोग हों तो उनसे ऐसे जब आपके जैसे दोस्त होते हैं तो वो अपने आप उनकी भी एनर्जी पॉजिटिव मिलती है खुश रहते हैं और जब इंसान खुश होता है तो अच्छे से गा सकता है रियाज करने का जहाँ तक ताल्लुक़ है बहुत सारे लोग गानों के प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं या नए लोग बहुत सारे आजकल गाने की कोशिश करते हैं सीखना चाहते हैं तो मेरी एक यही राय है कि रियाज आपको हर किसी के लिए रियाज थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट होता है कोई एक रियाज हर इंसान के लिए एक जैसा नहीं हो सकता किसी की आवाज़ का कुछ प्रॉब्लम है किसी की आवाज़ का कुछ प्रॉब्लम है तो अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसको एनालिसिस करके अकॉर्डिंग टू दैट आप रियाज़ करें किसी जानकार कर इंसान से थोड़ा सा मशवरा कर लें तो वो आपको हमेशा काम में आएगा सही बात है अभी हम आ, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आपका कोई पसंदीदा गीत हमारे नाजरीन के लिए ज़रूर सुनाएं। आमतौर से जानी भाई हम कलाकार जो होते हैं वो हमेशा दिल से जुड़े हुए होते हैं तो हमारे इमोशंस और हमारे हमारी जो चॉइस ऑफ सॉन्ग्स होती है वो ऐसे होती है कि जो शायद आम लोग स्टेज पर देख वो गाने ना गाए जाते ना सुने जाते हैं हम लोग आम तौर से ऐसे गाने सुनते हैं लेकिन हाँ जो लोग आम तौर से स्टेज पर जो गाए जाते हैं जैसे मेरे यूट्यूब चैनल पे जो गाना बहुत ज़्यादा लोगों ने सुना है एक ओ मेरे सनम ओ मेरे सनम ये गाना है और एक है मेरा नाम जोकर फिल्म से तो थोड़ा सा उसकी दो लाइन बिल्कुल बिल्कुल लाभ गाते हैं जाने कहा गए वो दिन कहते थे तेरीदा में नजरों को हम बिछाएंगे चाहे कहीं भी तुम रहो चाहेंगे तुमको उम्र भर तुमको न भूल पाएंगे तुमको न भूल क्या बात है क्या बात है ऑडियंस भी आपको भूल नहीं पाएगी <laughs> क्या प्यारी आवाज है <laughs> <बहुत> वो दूसरा <laughs> गाना भी आप गुनगुना दीजिए मेरे से फेवरेट है मेरा भी ये फसना गाना है ठीक है ठीक मुकेश जी का एक दूसरा जो अंतरा है जी जी तो से गाते हैं सुनते हैं प्यार की दुनिया में दो दिल मुश्किल से समाते हैं क्या गैर अपनों तक के न आने पाते हैं साये आने पाते हैं हमने आखिर क्या देख लिया क्या बात है क्यों हैरान है हम एक दिल के दो अरमान है हम ओ मेरे सनम ओ मेरे सनम दो जिस्म मगर एक जान है हम एक दिल, दिल के दो अरमान है हम ओ मेरे सनम, ओ मेरे मेरे सनम सनम क्या बात है क्या बात है थैंक यू अच्छा मुख्तार भाई आपके ख्याल में गुलकार पैदा होता है या फिर बनाया जाता है नहीं मैं कलाकार जो होता है वो तो पैदा ही होता है क्योंकि कला जो है वो सीखने से आप नहीं सीख सकते हो कला तो इट् अंदर होनी ही चाहिए और वो एक बॉन उसमें ही होती है एक मतलब कुदरत उस कला के साथ ही उस बच्चे को पैदा करती है ये और बात है कि कुछ लोगों को अपनी कला को निखारने का या उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का मौका मिलता है और कुछ लोगों को शायद उसकी पहचान नहीं हो पाती या अगर पहचान होती है तो शायद उनको मौका नहीं मिलता है या उनको सही वक्त में सही लोग नहीं मिलते जिसकी वजह से वो अपनी टैलेंट उनकी पनप सके तो ये और बात है वो एग्जैक्टली ऐसा exactly ही है जानी भाई के डायमंड जो होता है वो डायमंड तो सिर्फ डायमंड तो होना ही चाहिए फिर उसको निकाल के आप साफ़ सुथरा करके उसको तराश के उसको शाइन वाला एक डायमंड बना सकते हैं मगर वो डायमंड ही नहीं पत्थर है तो उसको आप कुछ भी कर लो वो वो शाइन तो आनी नहीं है सही बात है तो मुख्तार साहब अभी हमें ये बताइए कला और गला में क्या फ़र्क आप महसूस करते हैं ये वैसे जानी एक बहुत ऐसा गहरा सवाल है शायद अगर आम इंसान से आप पूछेंगे तो शायद उसके समझ में भी ये बात नहीं है अच्छा लेकिन एक बहुत इसमें माइन्यूट सा एक उसके अंदर वो बात है देखिए मैं जहाँ तक समझता हूँ जो मेरी समझ है कला जो है वो बहुत सारे लोगों के पास हुए अगर अभी हम मान लीजिए सिर्फ गाने वालों की बात करें तो गाने वाले बहुत सारे कलाकार हैं लेकिन टेक्निकली अगर वो सही भी गा रहे हैं तो सबके गाने लोगों के दिल को टच नहीं करते हैं आप उसके अंदर मिस्टेक वैसे नहीं निकाल सकोगे गलती क्या है गलती अच्छा सुर में भी है ताल में भी है पर जो जहाँ अब बात आती है गले की ऐसा है कि आवाज़ तो हमारी गले से निकलती है लेकिन उसके अंदर जो फील है जो एक रूह है ये बात जो होती है ये हर किसी के गले में नहीं होती है तो अगर उसके अंदर एक कलाकार है उसके अंदर अपनी कला है टेक्निकली शायद उसने सब कुछ सीखा हुआ है उसको आप टेक्निकली कहीं गलती साबित नहीं कर सकोगे लेकिन फिर भी आपको बहुत सिंगर्स का ऐसा लगेगा कि आपने गाया बहुत अच्छा लेकिन आपको वो दिल पे वो बात नहीं बनी गई जिसको हम बोलते क्या बात है है ना तो एक अगर रूह की गहराई से जो एक गाने वाला जो उसका गला होता है जो इंसान फील करके गाता है जिसका ताल्लुक उसके अपने दिल से होता है फीलिंग से होता है तो वो जब गाता है तो यही वजह है मैं समझता हूँ जो मुकेश जी की आवाज़ है आपने कई मरतबा बहुत सारे लोगों को म्यूज़िक डायरेक्टर्स को या संगीत के दिग्गज लोगों को सुना होगा कहते हुए कि मुकेश जी बहुत ज़्यादा सीखे हुए नहीं थे या उनके गानों में एक सादगी थी बहुत ज़्यादा मुरकी बहुत ताने बहुत डिफ़िकल्ट गाने सेमी क्लासिकल ये सब गाने मुकेश जी के नहीं थे लेकिन फिर भी अगर रेशियो आप देखें कंपेरेटिव अदर सिंगर्स रफी साहब के अगर आठ दस हज़ार गाने किशोर कुमार के छः सात हज़ार गाने हैं तो मुकेश जी के सिर्फ एक हज़ार गाने हैं अच्छा। एक हज़ार तिरपन गाने हैं उनके एक हज़ार तिरपन गाने गाकर उसमें से जो सक्सेस रेशियो है वो मुकेश जी का सबसे ज़्यादा है अच्छा यही वजह है कि वो जो एक सादगी थी वो जो एक आवाज़ थी उसमें एक रूहानियत थी और जब इंसान दिल से जो बात जो रूह से जो बात करता है गाता है तो सामने वाले के दिल को रूह को असर करती ही है बात अच्छा मुख्तार साहब अभी आपने जिक्र किया रफ़ी साहब किशोरदा बहुत सारे सिंगर्स जी अगर मान लीजिए कि अगर आप मुकेश जी के नगमे नहीं गाते हाँ। तो अगर सेकंड ऑप्शन में या चूज़ करने का मौका आपको फराम होता हाँ। तो कौन से सिंगर को आप बहुत ज्यादा पसंद करते या गाने गाते ये थोड़ा सा बताइए मुझे सारे सिंगर्स अच्छे लगते हैं पर डेफिनेटली रफ़ी साहब अच्छा अच्छा रफ़ी साहब की आवाज़ की बात हम करें हाँ। तो उनका रेंज काफ़ी हाई था जी जबकि आप जो गाने गाते हैं मुकेश जी के हाँ। उनके हाई रेंज के गाने नहीं होते जी तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे ये एक थोड़ा सा थोड़ा सा मिस परसेप्शन भी है जानी भाई लोगों के दिल में मुकेश जी के भी आ, हाँ ज़्यादा गाने रेंज वाले नहीं हैं लेकिन उनके गाने भी कई सारे ऐसे हैं जो वो रेंज तक तो जाते हैं लेकिन हाँ मुकेश जी की आवाज़ का जो टिम्बर था जो बेस वाला जो उनका पार्ट था इसी वजह से उनको वो गाने ज़्यादा उनकी आवाज़ में अच्छे लगते थे जो मिडल ऑक्टिव में या मिडल से थोड़े लो ऑक्टिव में बने इसीलिए उनको उस तरह के ख़ास गाने मिले और उसमें भी ख़ास करके सैड और इमोशनल गाने रफ़ी साहब एक कम्प्लीट सिंगर थे उनके गानों में अगर छेड़छाड़ वाले गाने हैं अगर शराब के नशे वाले गाने हैं या गम के गाने हैं या कुदरत को गुहार लगाने वाले गाने हैं फरियाद करने है, वो सारे गाने उनकी आवाज़ में अच्छे लगते थे क्योंकि वो एक कंप्लीट सिंगर थे हर तरह के गाने गाने की ख़ूबी उनकी आवाज़ में थी और इसी वजह से मुकेश जी भी हमेशा नितिन मुकेश को कहा करते थे बचपन में कि मेरे गाने मत गाया करो अगर अच्छा गायक बनना है तो रफ़ी साहब के गाने गाया करो तो उससे आप अच्छे गायक बन सकोगे अरे क्या बात है अच्छा आपने हर शो में अलग अलग अंदाज के मुकेश जी के नाग में आप गाते भी हैं और लोग काफ़ी पसंद भी करते हैं जी आपके नज़रिए से मुकेश जी का कोई ऐसा गाना हो जो आपको डिफ़िकल्ट लगा हो उस बारे में बताइए हाँ एक <laughs> गाना है वो ना। मतवाली नार ठुमक ठुमक चली जाए अच्छा वो मुझे थोड़ा सा एक वो गाना डिफिकल्ट लगता है गाना और एक गाना है किनारे किनारे फिल्म का जब हमें इश्क सताता है तो हंस लेता हूँ अच्छा ये थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट लगता है तो मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि कभी कोई ये फरमाइश ना आए नहीं करे <laughs> और करे तो उसको थोड़ा टेक्निकली मैं मना कर तो भाई तैयार नहीं है नहीं गाना है वर्ड्स नहीं है हाँ वैसे आपने दुनिया भर में अलग अलग जगहों परफॉर्म किया चाहे वो म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ हो या बड़े बड़े ऑर्गेनाइजर्स के साथ और कौन सा वो यादगार शो रहा होगा उस बारे में बताइए और आपके जो अचीवमेंट्स हैं उस बारे में थोड़ा सा हमारे नाजरन को वो बातें शेयर कीजिए प्रोग्राम का जहाँ तक ताल्लुक़ ऑडियंस का तो पूरे भारत भर में और विदेशों में भी जहाँ कहीं भी मैं गया हूँ तो हर जगह बहुत लोगों ने प्यार तो दिया है और मैं ए, विदेशों की भी अगर बात करूँ तो अब्रॉड में हमारे इंडियंस और इंडियंस के साथ साथ हमारे एशियाई देशों के लोग हर जगह हैं और वही लोग हमारे प्रोग्राम सुनने आते हैं तो बहुत वो लोगों को अच्छा लगता है अच्छा और हमें ये जानकर भी खुशी होती है कि हमारे देश के लोग विदेशों में चाहे सालों से रह रहे हैं लेकिन उनका दिल उनका रूट उनका बेस वो हमारे देश से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ रहता है तो जब हम लोग जाते हैं तो हमारे हिंदी सिनेमा के फिल्मों के गीत होते हैं तो वो लोगों को हमेशा ये बात बहुत अच्छी लगती है और ये जानकर हमें बहुत खुशी होती है कि हम हमारे लोगों के बीच में हैं चाहे हम विदेश में हैं तो ऐसी बहुत सारी खूबसूरत यादें जुड़ी हुई हैं और साथ साथ ये हुआ कि ये बीच में मुझे म्यूज़िक डायरेक्टर से इतना काम करने का मौका मिला लेकिन हाँ एक ख़ास में एक मैंने एक रिकॉर्ड बनाया था जिसका मैं ज़िक्र करना भी ज़रूरी समझता हूँ और वो रिकॉर्ड हमने चौबीस जनवरी दो में बम्बई में किया था रविंद्र नाट्य मंदिर ऑडिटोरियम है और उसमें हेमंत कुमार म्यूजिकल ग्रुप जो यूट्यूब पे बहुत फेमस ग्रुप है तो उसके हेमंत कुमार महाले जी, जी जो हैं उन्होंने पूरी इवेंट ऑर्गेनाइज की थी और तब मैंने दोपहर में 12 बजे से लेकर रात के एक बजे तक मतलब 13 घंटे अच्छा। मैंने मुकेश जी के 130 गाने अच्छा उसमें गाए थे और वो एक सबसे ज़्यादा वक्त तक गाने का और नंबर ऑफ़ सॉन्ग्स सबसे ज़्यादा गाने का दोनों रिकॉर्ड उसी दिन हमने बनाए थे तो वो रिकॉर्ड जो है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड एशिया बुक ऑफ़ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ़ रिकॉर्ड तीनों में दर्ज किया गया है माशा क्या तो ये एक मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है क्योंकि जब मैं करने जा रहा था जिस दिन वो ये अवार्ड शो तो उस दिन मुझे बहुत डर था कि पता नहीं शायद कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा इतना गा सकूंगा नहीं गा सकूंगा लेकिन मालिक की बहुत मेहरबानी रही कि पूरा तेरह घंटे निकल गया अच्छा आप एक लॉयर भी हैं जी और फिर गायकी का भाई शौक़ है प्रोफेशनली वे में आप बहुत अच्छा गाते भी हैं इतना वक्त आपको कैसे मिलता है <laughs> <laughs> जानी भाई अभी क्या है कि जब मैं एडवोकेट हुआ सिंगर पहले हो गया था एडवोकेट बाद में बना शुरू में मैंने दो तीन साल ऐसी कोशिश की कि कोर्ट का भी काम करूं और स्टेज का भी काम करूं लेकिन मैं मे, मेरी जो प्रैक्टिस है लीगल प्रैक्टिस वो मेरी क्राइम साइड है तो मतलब मैं क्रिमिनल कोर्ट के अंदर मेरा लीगल प्रैक्टिस है अहमदाबाद में जहाँ मैं रहता हूँ तो वो इतना अर्जेंट काम उसमें रहता था तो दोनों काम बैलेंस नहीं हो पा रहे थे तो उसमें धीरे धीरे उसमें क्लैशेस आने लगे तो मुझे डिसाइड करना ही पड़ा कि अगर अच्छे से कोई एक काम मुझे अगर करना है तो किसी एक काम में ही मुझे रहना पड़ेगा और तभी वो काम में आप जो चाहते हैं जो डिज़ायरेबल एक स्टेज है आप वो अचीव कर सकोगे तो फिर मैंने अल्टीमेटली सोचा क्योंकि जहन जो था वो तो कला का था तो फिर मैंने सोचा अपने संगीत की तरफ ही रहें तो कोर्ट में बाद में ऐसा है कि अभी मेरे दो जूनियर हैं और दो मेरे कलीग्स हैं तो अच्छा। कोर्ट का सारा काम वो लोग देख लेते हैं हाँ मैं फ्री होता हूँ उतने टाइम जाता हूँ कोर्ट में भी लेकिन मेरा ज़्यादा ध्यान और पूरा काम और फोकस मेरा म्यूज़िक में ही है माशा बहुत अच्छी बात है बहरहाल आपसे गुफ्तु करके काफ़ी मज़ा आया और बहुत खुशी हुई। बड़ी खुशी हो रही है तो चलते चलते हमारे नाजरन के लिए कोई एक गीत गुनगुना दें मैं एक गाना है जो हमेशा वैसे स्टेज पर भी इसी गाने से मैं अक्सर प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ और मेरा नाम जोकर फिल्म का ये गाना है और राज कपूर साहब की बहुत खूबसूरत वह अदाकारी थी शंकर जयकिशन का संगीत था Hmm. जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहा जी चाहे जब हमको आवाज दो हम हैं वहीं हम थे जहाँ अपने यही दोनों जहाँ इसके, इसके सिवा ज क्या बात है तो बहुत बहुत शुक्रिया आप आए इतना वक्त दिया बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया जानी भाई आपका भी बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया कि हैदराबादी सितारे का आपका ये जो प्रोग्राम है इतना मशहूर प्रोग्राम है और इतने वक्त से आप कर रहे हैं इतने सारे बेहतरीन कलाकार इस मंच पर आए हैं और आपसे गुफ्तु की है और ये इतने खूबसूरत इतने कामयाब प्रोग्राम में आपने आज मुझे इन्वाइट किया बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और मैं सियासत टी वी का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज हमें मौका दिया इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप सबसे मुखातिब होने का और आप सबका बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतने वक्त तक हमारे साथ जुड़े रहे बहुत बहुत, बहुत धन्यवाद बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू तो नाजरीन आज के लिए इतना ही ऐसे भी सितारों का सिलसिला जारी रहेगा आप अपने दोस्त और होस्ट के वी को इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़